Hey, a warm welcome to all of you. My name is Aarti and I welcome you all once again on this wonderful platform, Wi-Fi Study 2.0, with this session where I am going to discuss a lot more things related to English. And yeah, the name of the topic is how to introduce yourself. But yes, we have many more things in this session. So, a warm welcome once again. Kaise hain aap sab? Please mujhe bataye. राइट यहाँ पर हमारे साथ हैं बहुत सारे लोग हैं और उनमें से सबसे इंटरेस्टिंग नेम मैंने चूज किया है चुड़ैलों का राजा. सो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है. विक्की, जया, जितेंद्र, हरिओम, लखन और अवनीश, और सिर्फ विक्की, जितेंद्र, मोइनुद्दीन, पायल, श्रवण, अहो. चलिए शुरू करते हैं अपना आज का बेहतरीन सेशन. आज से आप क्या करेंगे? आज से आप इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आराम से हम अपना सेशन कंडक्ट करेंगे और आपको मेरे साथ कुछ वर्ड्स, कुछ फ्रेजेस की प्रैक्टिस करते रहने हैं. ठीक है, तो चलिए आज आपका पहला क्लास है, हम डिस्कस करते हैं कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग. उससे पहले आपको बता दें हमारे टॉप एजुकेटर्स और उनके टॉप बैचेस के बारे में. अभी शुरू हो रहे कल से, आप लोग एनरोल करा लें. ये है मेरा अनअकैडमी का जो यूजर नेम है, आप यहाँ से मेरे को फॉलो कर सकते हैं इफ यू वॉन्ट टू. और ये है SSC एग्जाम सब्सक्रिप्शन प्लान, यू कैन चूज एनी प्लान एंड प्रोसीड. और आपको यूज करना है मेरा कोड आरती मैम. ऑलराइट, तो पहले मेरा कोड आरती लाइफ था बट आई हैव चेंज्ड इट, तो अभी कोड है हमारा आरती मैम. और अनअकैडमी कॉम्बैट के बारे में बिल्कुल मत भूलना, ये है इंडियाज बिगेस्ट फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट SSC एग्जाम्स के लिए, जहां पर स्कॉलरशिप पूल मिलती है 1 करोड़ रुपीज की. जी हाँ, और ये होता है एवरी संडे 12 बजे. और कोड कौन सा यूज करना है जरा फिर से बताइए. यस, आरती मैम, मुझे पता है, थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मेरे कोड को यूज किया था और उससे, बट फिर मैंने, मेरे को पता चला कि वो चेंज हो गया है, तो उसी के बारे में मैंने आपको बताया, द कोड इज आरती मैम. ऑलराइट, तो मैं बात करती हूँ हमारे अपकमिंग सेशंस इसी टाइम पर कौन कौन से हैं. आज का जो सेशन है उसमें हम आपको बताएंगे कि हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करना है. अच्छा, इंग्लिश में कैसे करना है वो तो मैं बताऊंगी, बट मेक श्योर यू नो दैट वेरी वेल हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन हिंदी एज वेल. लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि आप हिंदी में कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं. राइट, चले दूसरा हमारा सेशन रहेगा, मतलब दूसरा आगे आने वाला, जो एट द सेम टाइम इम्पॉर्टेंट वर्ड्स फॉर डेली कॉन्वर्सेशन. हमें कन्फ्यूजन होता है ना कौन सा वर्ड यूज करे कब, तो इसके लिए हम लेकर के आए हैं डेली कॉन्वर्सेशन के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स. नेक्स्ट हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक है हाउ टू मेक योर पर्सनैलिटी इम्प्रेसिव, अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रेसिव कैसे बनाएं, क्या करें कि सारे लोग आपको देखते ही इम्प्रेस हो जाए, ओ माय गॉड व्हाट एन अमेजिंग पर्सनैलिटी यू हैव, ऐसे करके बोले हाउ टू इम्प्रेस. हाँ वो है, वो ये एक ही बात है बट थोड़ा सा अलग है. हाँ, इंटरव्यू प्रैक्टिस सेशंस भी हम कंडक्ट करेंगे एट द एंड ऑफ द सेशन. ओके, तो चलिए जी हम आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को मुझसे क्या कहना है. सार्थक कह रहे हैं स्मार्ट लग रहे हो, थैंक यू वेरी मच. और हाँ, एक बार सेशन को शेयर तो कर दो, आज पहला क्लास है तो पता तो चलना चाहिए, 1000 के ऊपर स्टूडेंट्स आए हैं, कैसे पता चले, कम ऑन गाइस, शेयर इट एज मच एज यू कैन प्लीज. चलिए जी शुरू करते हैं. तो हमारा कुछ की पॉइंट्स हैं, मतलब इनको मैं हिंदी में ही बताऊंगी, डोंट वरी, मैं इंग्लिश नहीं बोलने वाली हूँ, मैं आपको बिल्कुल डराने नहीं आई हूँ, एकदम सिखाने आई हूँ, तो मैं बिल्कुल नहीं डराऊंगी. की पॉइंट्स क्या है, आपके पास, आपके आमने सामने, आपके अगल बगल कोई भी इंग्लिश बोल रहा है तो उसको ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है और समझना है. देखो यहाँ पर लिसन इसलिए लिखा हुआ है बच्चों कि लिसन, जब हम किसी चीज को सुनते हैं ना तो वो ध्यान से सुनते हैं. हेयर तो कोई भी कर देता है, लिसन करना है आपको, लिसनिंग जो होती है मतलब ध्यान से सुनना, जैसे ये आपको दिख रहा होगा. आपने सुना कोई वर्ड, मैं बताती हूँ, आपने कोई वर्ड, आपका, आपकी मर्जी से कोई भी सामने आपके वर्ड आया और आपने सुना, जैसे कोई अच्छा सा वर्ड लेते हैं, आपने कहा ज्वाइन द मेजॉरिटी, सुना, आपने सोचा ये क्या होता है, चलो इसको रिपीट करते हैं. तो रिपीट करने से पहले क्या करेंगे, उसको एक्सप्लोर करेंगे, भाई इसका मतलब क्या है, उसके बाद रिपीट करेंगे. ज्वाइन द मेजॉरिटी का मतलब होता है क्या, टू डाई. राइट, रिपीट किया, याद हो गया, अब उसको प्रैक्टिस करेंगे. प्रैक्टिस कैसे करेंगे, आप चाहें तो सेंटेंस में कह सकते हैं कि वन ऑफ द पर्सन्स ज्वाइन द मेजॉरिटी, इस तरीके से ज्वाइन द मेजॉरिटी, मतलब कुल मिला के आपको प्रैक्टिस भी करनी है. अब प्रैक्टिस हो गई तो आपका फोर्थ स्टेप जो आता है वो एक्सप्रेस करने का आता है. ठीक है, तो एक्सप्रेस भी करेंगे. अब एक्सप्रेस करने के लिए कौन है आपके पास,
कोई नहीं, आप खुद ही हैं। अगर कोई नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आपके पास अपना मिरर है, आपके पास अपना मोबाइल फोन है, आप उससे बातें करेंगे। कम से कम एक बढ़िया कंपनी तो मिल जाएगी, इतने दिनों में नहीं मिली। ऑलराइट, राइट नाउ वी आर लिसनिंग। सीमा कह रही है वी आर लिसनिंग। हाँ, छोटे बच्चे देखे आपने कैसे बोलते हैं इंग्लिश, सुन के सीखते हैं, और उन्हें कोई मतलब पढ़ने लिखने से फर्क नहीं, तुम लोगों को भी नहीं है। तो मेरी आवाज सुनिए और सीखने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर तो ये हमने आपको बता दिया कि एक्सप्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे तो अपना वीडियो कॉल में एक्सप्रेस करें या फिर अपनी मतलब पेरेंट्स के सामने करें। हाँ, वो बात और है कि थोड़ा सा गड़बड़ हो जाते हैं कभी कभी, उन्हें लगता है कि हम लोग काफी शो ऑफ कर रहे हैं, वी आर टर्निंग मेगालोमेनिया, बट या इट्स ओके, चलता है ये हमारा, ठीक है। निशान कह रहे हैं लो में आ गया वाईफाई स्टडी वाले, टाइम आउट मत करना। हाँ सुन लिया मान मनीष, आपकी बात सुन ली, और कोई भी टाइम आउट नहीं करेगा। ऑलराइट, तो अब हम आते हैं अपना जो हमारा टॉपिक था कि अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करें। देखिए, अब ध्यान से मेरी बात सुनिए, मैंने अभी आपको ये बिल्कुल नहीं बताया है कि आपको किसी का नाम कैसे पूछना है। सबसे पहले ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अपने बारे में कैसे बताना है। अच्छा, इसके लिए ये सिर्फ बिगिनर्स के लिए है। देखिए, हम लेवल वाइज चलेंगे, ये लेवल वन है, तो हम उसी हिसाब से आपको बहुत ही अच्छी चीजें बताएंगे जिनको आपको मेरे साथ ही प्रैक्टिस करते रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है कंप्लीट फॉर्मेट, लेकिन उसके पहले आपको ध्यान देना है इस पर क्या लिखा हो। आज से ही बोलना शुरू करें, आज मतलब अभी से ही बोलना शुरू करें। तो सबसे पहले मैं बोलूंगी, फिर इसी फॉर्मेट को जो आपके सामने लिखा हुआ ना, ये फॉर्मेट जो लिखा हुआ है ये सामने, उसी फॉर्मेट को फॉलो करते हुए आप बोलेंगे। इधर ही चलिए जी, शुरू करते। तो आर यू रेडी गाइस? हाँ, पूर्वी को बुला लो। हरिओम, वेरी गुड इवनिंग। पूरे ध्यान से सुनूंगा, और ईयरफोन लगा लिया है। चलिए जी, तो अब सुनना ही नहीं है, पहले मैं बोलूंगी उसके बाद आप बोलेंगे दोबारा फिर से। सबसे पहले अपना नाम बताएंगे। नाम बताने में बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे, माई सेल्फ का यूज कभी नहीं करेंगे। आप अपने आप को ज्यादा स्मार्ट तो नहीं बताते, बल्कि ऐसे लोग आपको डम समझते हैं जब आप कहते हैं माई सेल्फ आरती गुप्ता, ठीक है। तो मैं कई बार बता चुकी हूँ, कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। आप सिंपली बोलेंगे हाय, माई नेम इज, या आई एम। अच्छा, एक और तरीका है, सेलिब्रिटी बोलते कहते दिस इज आरती गुप्ता, ऐसा लगता है ओ माई गॉड क्या है ये, ऐसे के नहीं बोलना है, सिंपली माई नेम इज। दूसरी बात आपको बतानी है आई कम फ्रॉम। आई कम फ्रॉम का मतलब क्या होता है, आप जिस जगह से आ रहे हैं, मान लीजिए इंडिया से आ रहे हैं तो इंडिया बोलेंगे। फिर उसके बाद दूसरी लाइन है आई लिव इन। आप चाहे तो यहाँ पर कोई स्टेट डाल सकते हैं, यहाँ डिस्ट्रिक्ट, यहाँ कोई सिटी, इस तरीके से कर सकते हैं। हमने यहाँ कंट्री डाला, यहाँ मैं कोई भी मतलब डिस्ट्रिक्ट या सिटी यूज कर सकती हूँ, डाल सकती हूँ, ये मेरे ऊपर है। उसके बाद जैसे मैंने कहा कि आई एम अ लॉ ग्रेजुएट, या फिर आप अगर कुछ तैयारी कर रहे हैं तो उसके बारे में बता सकते हैं। फिर कहा आई वर्क इन अ कंपनी, कोई भी कंपनी में, है ना, और आई एम अ स्टूडेंट, या जो भी आप हैं, इसी तरीके से आपको बताना है। फिर आपने बोला कि लाइफ में आप क्या बनना चाहते हैं, ये कुछ की पॉइंट्स हैं जिनको आपको फॉलो बेसिकली करना होता है। फिर आपने कहा माई हॉबीज आर, जो भी आपकी हॉबीज है, या फिर आप ऐसे नहीं कहना चाह रहे माई हॉबीज आर, आप कहेंगे कि आई लव रीडिंग बुक्स, राइटिंग पोइट्री, हेल्पिंग द नीडी, है ना। तो अब ये एक बार मैं करके बताती हूँ, उसके बाद आप पूरा का पूरा प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपको कुछ समय का टाइम जरूर दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो कैसे बोलेंगे, मान लीजिए मेरे आपने बोला कि मैडम हाउ, मतलब इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, अब मैं सोच रही हूँ। फिर उसके बाद आई टूक अ ब्रीथ एंड आई स्टार्टेड स्पीकिंग, कैसे, हाय माई नेम इज आरती गुप्ता, आई कम फ्रॉम दिल्ली, आई लिव इन मुखर्जी नगर, आई एम अ लॉ ग्रेजुएट, आई वर्क इन अ मल्टीनेशनल कंपनी, आई वॉन्ट टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन, आई लव रीडिंग बुक्स, राइटिंग पोइट्री, हेल्पिंग द नीडी। तो मैंने ये सारा फॉर्मेट फॉलो कर लिया। नाउ इट इज योर टर्न। आपके पास टाइम है कितना, सिर्फ और सिर्फ 30 सेकेंड्स का, जरा ट्राई करो, फिर मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ, मैं कॉमेंट सेक्शन में देख रही हूँ। कम ऑन विशाल कह रहे हैं हेलो मैम, ये सेशन तो बहुत हार्ड है, और अब आप हमें इग्नोर करना स्टार्ट कर दो। अरे नहीं,
ऐसा नहीं होता, इट इज काइंड ऑफ स्पोकन सेशन, तो मेरे को ज्यादा अवेयर रहना पड़ता है। मनीष अपने बारे में बता रहे हैं, इन्होंने बता भी दिया है। देखो सिंपली आपने प्रैक्टिस की होगी, अभी मेरे साथ प्रैक्टिस की, चलो फिर से जैसे मैं बोल रही हूँ एक बार और प्रैक्टिस करनी है बस। क्या बोलेंगे? हाय, बहुत स्टाइल से बोलना है, अपने अपने हैंड्स को यूज करके, अपने बॉडी लैंग्वेज को एकदम मतलब हैप्पी वाले, मैरी वाले मूड में। मैरी नहीं बोला है मैंने, सो आराम से बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हेलो, माय नेम इज आरती गुप्ता, आई कम फ्रॉम दिल्ली, आई कम फ्रॉम इंडिया, आई लिव इन दिल्ली, आई एम अ लॉ ग्रेजुएट, आई वर्क इन अ कंपनी, और यू कैन से आई एम अ स्टूडेंट, और आई एम एन एंथुसियास्ट लर्नर, आई वॉन्ट टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन, माई हॉबीज आर रीडिंग बुक्स, राइटिंग पोएट्री, हेल्पिंग द नीडी। तो बड़े आराम से आपने पूरा जो है वो पढ़ लिया और उसे फॉलो कर लिया। अब देखिए इसमें क्या क्या है। अच्छा, दूसरी गलती आपको क्या नहीं करनी, एक तो कभी माई सेल्फ नहीं बोलना है, माई सेल्फ जो है नहीं बोलना, कभी भी नहीं बोलना। दूसरी बात, आई बिलोंग टू, नो नो नो, है ना, अ बिग नो, बिल्कुल नहीं बोलना। आई कम फ्रॉम, आई लिव इन, दैट इज ओके, आई एम अ लॉ ग्रेजुएट, इस तरीके से तो बताएंगे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई वर्क इन अ कंपनी, है ना, आई वॉन्ट टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन। तो ये मतलब यू आर डन विद इट, अब आपको इसको प्रैक्टिस करते रहने, ये फॉर्मेट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कभी भी किसी को बताना है तो अगर शॉर्ट में बताना है तो ये सबसे अच्छा फॉर्मेट है। इसके अलावा आप चाहें तो कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं, है ना, आपको बहुत ज्यादा बातें करनी है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, जो भी कभी कोई आपका इंटरव्यू लेता है अगर, तो ये आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप उतना ही बोले जितना सामने वाले को इंटरेस्टिंग लगे। ऐसा नहीं है कि मतलब आप काफी कुछ बताने लग गए अपने बारे में, अब मेरे को इंटरेस्ट है नहीं कि तुम्हारी कौन सी गर्लफ्रेंड थी, आपने कहा आई हैड अ गर्लफ्रेंड व्हेन आई वाज इन सिक्स, तो फिर जो व्हेन आई वाज 18, इस तरीके से बातें जो है सामने वाला बोर हो जाता है, ऑल्दो आप लोग बोर नहीं होते, बट या इट हैपेंस। अब देखो ये फॉर्मेट का स्क्रीन शॉट ले लिया, कल प्रैक्टिस करके आना और फिर बोलना। मैं एक दो सेशन जूम पर भी करूंगी सो दैट आपको मैं मतलब सारे अपने स्टूडेंट से और भी इंटरेक्ट करा सकूं। चलिए अब आते हैं हम एक नए और इंटरेस्टिंग थिंग पर। मैंने कहा आज से ही बोलना शुरू करना है, यू हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश टुडे ओनली। प्रिंस कह रहे क्यूट, अच्छा जी, थैंक यू। आशीष, बिलोंग टू, फिर आशीष क्या होता है कि बिलोंग जब बोलते हैं जब आप उस पर्टिकुलर चीज को पजिस कर रहे होते हैं, समझिए इस बात को कि जो बिलोंग वर्ब है ना आपकी, कि बेसिकली जब हम बोलते हैं जब किसी पर्टिकुलर थिंग को पजिस कर रहे होते हैं, उस पर मालिकाना हक दिखा रहे होते हैं। सो आई बिलोंग टू दिल्ली, अगर हम बोलेंगे तो इट साउंड्स लाइक दिल्ली जो है वो मेरे ही पिताश्री का है और उन्होंने ही बसाया है, सो इसलिए हम ऐसा नहीं बोलते, हमको नहीं बोलना ये, ठीक है। अच्छा आप यहाँ पर आते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग है। देखो यहाँ पर मैंने लिख भी दिया, लिखा है नाम बताओ पहले अपना। अगर आप किसी से मिलते हो तो आप अगर ये कहोगे कि नाम बताओ पहले अपना, तो इंग्लिश में बोलते हो व्हाट इज योर नेम। लेकिन अगर यहीं पर आप उससे बड़ा पोलाइट होकर के पूछना चाह रहे हो, मान लीजिए मैं हूं, अगर आप मेरे से पूछोगे व्हाट इज योर नेम, तो मुझे हिंदी में ये सुनाई देगा कि आपने बड़ा ऑकवर्ड तरीके से पूछा नाम बताओ पहले अपना। लेकिन अगर थोड़ा सा पोलाइट वे में पूछोगे, है ना, पोलाइटली थोड़ा सा, तो लगेगा कि मे आई नो योर नेम प्लीज, मे आई नो योर नेम प्लीज, नाम क्या है जी आपका। तो ये तरीका जो है ये आपको फॉलो करना है जब भी किसी से पूछेंगे। अच्छा ये लगता है मैं काफी बार बता भी चुकी हूँ, नाम क्या है जी आपका, ये बहुत ही ज्यादा रेस्पेक्टिंग, मतलब बहुत ही रेस्पेक्टेड लगता है, बहुत ही पोलाइट लगता है, बहुत ही हम्बल लगता है, तो आप इसको यूज करेंगे सो यू विल डेफिनेटली एंजॉय इट, है ना, और सामने वाले को भी लगेगा कि हाँ सामने वाला काफी पोलाइट है और शायद वो आप में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दे। तो चलिए अब हम यहाँ पर आपको कुछ टेक्निक्स बताते हैं जिनको आपको कई सारी चीजों पर अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करेंगे आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ये एकदम नया है, इसमें आपको बहुत ही मजा आने वाला है, आपको सिर्फ इतना अपने माइंड में रखना है, इतना ये इधर अपने माइंड में रखना है। होता क्या है, प्रॉब्लम क्या है, आप बोलना तो चाहते हो, यू वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, बट द प्रॉब्लम इज वेन यू स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश यू नो यू आर नॉट एबल टू मेक प्रॉपर सेंटेंसेस टू स्पीक अप। तो ये जो आपके वर्ड्स हैं, ये जो आपके फ्रेजेस हैं छोटे छोटे, ये आपको हेल्प करेंगे कि कैसे शुरुआत करें।
अब जैसे मेरा टारगेट है कि आप आज से ही बोलना शुरू करें, तो मैं आपको यहाँ पे कुछ बातें बताऊंगी। अभी आप जैसे ही सेशन खत्म होगा तो अपने पेरेंट्स से ऐसे कहेंगे, यू नो मामा, यू नो मम्मी, आई एम गुड एट मेकिंग एक्सक्यूजेस, मैं बहुत अच्छा हूँ। किसमें अच्छा हूँ? मेकिंग एक्सक्यूजेस, है ना, मतलब कोई भी एक्सक्यूज बनाना, कोई भी बहाना बनाना, उसमें मैं बेहतरीन हूँ, ऐसे बोलेंगे ना। फिर या तो आप बोलेंगे आई एम गुड एट ड्राइविंग, अगर आप हैं, या फिर आप अपने पेरेंट्स से ऐसे भी बोल सकते हैं, आई एम गुड एट वर्किंग लेट नाइट, या फिर अपने पेरेंट्स के सामने अपना कुछ यू नो थोड़ा सा ब्रैग भी कर सकते हैं, बोस्ट भी कर सकते हैं, डींगे भी हाँक सकते हैं कि आई एम गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश, यू नो। तो देखो, आपको सिर्फ इतना देखना है, और उसके बाद में अगर कोई वर्ब है तो वर्ब की आई एन जी फॉर्म लगानी है, मतलब वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना है, और उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट लिख देना है, है ना। और अगर कोई नाउन है तो नाउन आप इसके बाद डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि आई एम गुड एट इंग्लिश, तो इंग्लिश नाउन है तो मैंने सिंपली लिख दिया आई एम गुड एट इंग्लिश। और फिर या फिर मैंने ऐसे लिख दिया कि आई एम गुड एट मैथ्स, जो कि मैं बिल्कुल नहीं हूं, तो मैं इधर आ जाऊंगी, मैं कहूंगी आई एम बैड एट मैथ्स, है ना। सो आई एम बैड एट स्पीकिंग इंग्लिश, आई एम बैड एट राइटिंग पोइट्री, आई एम बैड एट इकोनॉमिक्स। तो कुछ मिला के, कुल मिला के आपको इतना पढ़ना है और इतना अपनी मर्जी से बताना है। सो नाउ आपको क्या करना है, इन दोनों में से कोई भी एक पार्ट उठाना है, कोई भी एक फ्रेज उठाना है, और उसके आगे अपनी कहानी बयान कर देनी है, जैसी आपकी कहानी है। तो अब मैं कॉमेंट्स पढ़ने जा रही हूँ, तो बताइए कौन क्या बना रहा है। अरे आप तो बना ही नहीं रहे, पीडीएफ मिल जाएगी इसके बाद में, पीडीएफ मिल जाएगी। जो बच्चे कह रहे हैं ना पीडीएफ नहीं मिल रही है, तो उन सबको पीडीएफ मिल जाएगी। दीप शर्मा कह रहे हैं आई एम गुड एट प्लेइंग क्रिकेट, अच्छा वर्ड है, आपने थोड़ा थोड़ा सा लिखा, मैंने उसको ज्यादा, हाँ ठीक है, आप कह सकते हैं आई एम गुड एट प्लेइंग क्रिकेट। आई एम अ लिटिल बिट गुड एट राइटिंग पोइट्री, रिशांत कह रहे हैं आई एम अ लिटिल, देखो बच्चे बनाने लगे। अब बनाना है तो एक बार बोल भी देना है, जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे आपको स्टार्ट करना है। मनीष कह रहे हैं आई एम गुड एट मैथमेटिक्स बट आई एम बैड एट इंग्लिश। मोहित कह रहे हैं हेलो, हाँ जी, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं जो भी आप चाहते हैं। तो आप जिसमें गुड हैं, आप जिसमें अच्छे हैं, वो अपनी लाइफ में देखो, एक्सप्लोर करो। ये तो चार बातें मैंने लिख दी, अल्टीमेटली यू आर द वन हु कैन हेल्प योर सेल्फ, सोच ले। लोकेश कह रहे हैं सोच ले, अरे सोचना कैसा है, आप इतना बोलो आई एम गुड एट, माइंड में आ जाएगा आपके सामने क्या है। आप कहोगे आई एम गुड एट यूजिंग फोन, आई एम गुड एट प्लेइंग गेम, आपके सामने फोन है, आई एम गुड एट प्लेइंग गेम, आई एम बैड एट लर्निंग इंग्लिश। मॉन स्टार्ट करो, अभी से शुरू करो, जितना ज्यादा तुम लोग एक्सप्लोर करोगे। ओवर एक्सप्रेसिव इंग्लिश में बनना है, चाहे जैसे बोलो बस बोलना है। ये तो पोइट्री बन गई, कमाल हो गई ये तो। ऑलराइट, सो अब देखो मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ किसने क्या क्या लिखा। दीप शर्मा कह रहे हैं आई एम बैड एट इंग्लिश, सही है। ब्रिजेश कह रहे हैं टेल मी अबाउट द सेशन, ओके गिव मी अ वाइब, आई एम गुड एट डांसिंग, बहुत अच्छी बात है। अगर आप कहेंगे आई एम गुड एट डांसिंग, डांसिंग, आई एम गुड एट सिंगिंग, आई एम गुड एट बाथरूम सिंगिंग, आई एम गुड एट और क्या हो सकता है, एक्सप्लोरिंग द थिंग्स, आई एम गुड एट वर्शिपिंग, और आई एम गुड एट मेकिंग एक्सक्यूजेस, ये तो लिखा ही हुआ है। आई एम गुड एट कुकिंग फूड, आई एम बैड एट वट एवर, आई एम बैड एट मेकिंग गर्ल फ्रेंड्स, आई एम बैड एट परसुएडिंग माई फैमिली। तो इस तरीके से हजारों बातें बनाते चले जाएंगे, ठीक है। फर्दर कह रहे हैं आई एम नॉट फ्लुएंट इन स्पीकिंग इंग्लिश बट येस आई कैन मेक समवन अंडरस्टैंड, ओके ये अच्छी बात है, दैट यू कैन मेक समवन अंडरस्टैंड वट यू आर सेइंग, दिस इज द फर्स्ट स्टेज। और दूसरी बात ये है कि लोग आपको जज करने के लिए नहीं आपको सुनते हैं, आपको समझने के लिए सुनते हैं। अरे समझ ही नहीं आएगा तो जज कैसे करेंगे, तो इसीलिए स्टार्ट स्पीकिंग फ्रॉम टुडे। ऑलराइट, तो ये मजा आया कि नहीं, ये वाले पॉइंट आपके लिए बेनिफिशियल है कि नहीं, एक बार मेरे को कमेंट सेक्शन में नाम सब देना जरा, इफ यू फील दीज पॉइंट्स आर बेनिफिशियल टू यू। ओके, पायल राजपूत कह रही आई एम बैड एट सिंगिंग, आई फील द सेम पायल, इवन आई एम वेरी बैड एट सिंगिंग एनीथिंग, I'm good at reading newspaper. Very nice. You guys are participating. That is very nice. And I'm very happy that you guys are doing something. और जानते हैं एक सेशन हम ऐसा भी लाते हैं जिसमें आपके सारे कॉमेंट्स इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। क्योंकि आज पहला क्लास है तो हम नेक्स्ट क्लास से ये स्टार्ट करेंगे, हम कल से स्टार्ट करेंगे। हाँ अब देखो क्या है,
अब आपने गुड बैड इन सबको समझ लिया, बोल लिया। अब क्या होता है, सिचुएशन ऐसी आ गई, पहले तो ये ट्रिक को फॉलो करेंगे, आज से ही बोलना शुरू करेंगे। सिचुएशन ऐसी आ गई कि चीजें बड़ी गड़बड़ हो रही है ना, चीजें बड़ी गड़बड़ हो रही है आसपास, तो आपको कौन सा फ्रेज पिक करना है? देयर इज समथिंग रॉन्ग विद, क्या बोलना है जरा बोल के दिखाओ मेरे साथ एक बार, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद। देखो स्टार्टिंग अभी बोलने से ही करनी है, आप राइट कर रहे हैं क्या, मतलब कॉमेंट लिख रहे हैं क्या कर रहे हैं, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, बट आई कैन फील, मेरे को ये फील होगा कि हाँ आप बोल रहे हैं, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई अभी इसी वक्त ये बोल रहा है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद। सो देयर इज समथिंग रॉन्ग विद, मान लीजिए आपके साथ कुछ गड़बड़ हो गया। अच्छा मान लीजिए आपका मोबाइल खराब हो गया जो कि आफत की जड़ है, तो आपने कहा देयर इज समथिंग रॉन्ग विद माई मोबाइल, विद माई सेल फोन, देयर इज समथिंग रॉन्ग। अब आपकी मोनिका आपसे बात नहीं कर रही, या आपके मोहन आपसे बात नहीं कर रहे, कमॉन ये नाम बहुत पुराने हैं आई नो, बट अगर तो आप फिर भी कह सकते हैं देयर इज समथिंग रॉन्ग विद अ पर्सन, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद राम, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद मोनिका, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद अ फैमिली। कमॉन मेक द सेंटेंसेस एज फास्ट एज यू कैन, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद गौतम, बताइए। रामेश्वर कह रहे हैं आई एम गुड एट डूइंग योगा, वेरी नाइस, परफेक्ट परफेक्ट। विशाल कह रहे हैं आई एम गुड एट क्रिकेट, एट प्लेइंग क्रिकेट बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, बट या अगर नहीं बोलना है तो दैट इज ओके। विशाल ने पहला सेंटेंस बनाया देयर इज समथिंग रॉन्ग विद माई बाइक, कमॉन अगर आपकी बाइक में कोई प्रॉब्लम है क्या बोलेंगे, देयर इज समथिंग रॉन्ग। कुल मिला के कम से कम यू आर एबल टू स्पीक अ ग्रुप ऑफ वर्ड, है ना, कम से कम आप इस लायक बने तो कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड आप बोल पाओ, और आपने बोला अभी तो आप बताओ, जैसे आपने कोई प्लान बनाया अब वो प्लान एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, तो अब आप सोच रहे हो क्या बोले, तो पहला डायलॉग क्या निकलेगा, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दैट प्लान, जब भी मैं इस प्लान को एग्जीक्यूट करना चाहती हूँ ये होता ही नहीं है, सो आई थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दैट प्लान, वी नीड टू स्विच इट, राइट। चलिए देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर मोबाइल, विद योर वॉच, विद योर मतलब वट एवर यू हैव। गौतम ने लिखा देयर इज समथिंग रॉन्ग विद माई कार, इट डजंट गेट स्टार्टेड, ओके वेरी नाइस। और भी कोई लिख रहा है क्या, अरे जितेंद्र कह रहे हैं देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस प्लान, हाँ लेकिन सही बोले, जैसे यहाँ पर लिखा एक एक वर्ड, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद जरूर बोले, ऐसा नहीं कहेंगे देयर इज समथिंग रॉन्ग माई टाइम, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद माई डेस्टिनी, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद यू, है ना। जैसे ये है तो हम आपसे, जैसे मान लीजिए आपके ग्रुप में कोई दुखी है, तो आप बातें कर रहे हैं, इधर ये बातें कर रहे हैं, किधर बातें कर रहे हैं, और इसके बारे में बातें कर रहे हैं, तो अब ये बोलेंगे महाराज देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस पर्सन, है ना, क्योंकि ये बहुत दुखी है, तो क्या बोलेंगे ही लुक्ड, या ऐसे अगर आपको प्रेजेंट में बात करनी तो बोलेंगे ही लुक्स सैड, इस तरीके से। तो देयर इज समथिंग रॉन्ग वाला फ्रेज कैसा लगा, गिव मी अ थम्स अप अगर आपने यूज किया और बोला तो, ये अच्छी बात। कॉन गाइस ऑलराइट, अब देखो अब क्या होता है लाइफ में, बहुत बार ऐसा होता है कि आपसे गड़बड़ी हो गई, है ना, आपसे गड़बड़ी हो गई, आप घर में हैं और आपने कुछ गड़बड़ी कर दी, तो अब आप क्या बोलेंगे, इट इज नथिंग बट अ लिटिल थिंग, ये कुछ नहीं है बस छोटी सी बात है, तो क्या बोलेंगे, इट इज नथिंग बट अ लिटिल थिंग, ये कुछ नहीं है बट छोटी सी बात है, फॉरगेट इट, मतलब आगे अगर आपको इसको और एड ऑन करना है तो ये और बोल दो, स्टाइल में बोलना, लेकिन कैसे बोलोगे जरा बोल के दिखाओ, इट इज नथिंग बट अ लिटिल थिंग फॉरगेट इट, है ना, स्टाइल में फॉरगेट इट, तो ऐसे बोल रही है, मतलब अपने हैंड्स को यूज करना ही है एज मच एज यू कैन, इट लुक्स गुड, कम ऑन। बॉडी लैंग्वेज इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि मुझे तो लगता है हिंदी में भी इंपॉर्टेंट है। सम पीपल ट्राई टू कॉपी दैट कि हाउ टू चेंज बॉडी लैंग्वेज, तो इट इज वेरी गुड इफ यू चेंज इट। या अमन कह रहे हैं देर इज समथिंग रॉन्ग विद माई डॉग, क्या हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इतनी भीड़ में मेरा कॉमेंट गायब हो रहा है, अमन कह रहे हैं आपका कॉमेंट बिल्कुल गायब नहीं हो रहा है, मैं बिल्कुल देख रही हूँ, मैम को दिखाई नहीं दे रहा, आई कैन सी देर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस फैमिली, डेफिनेटली अगर आपको किसी की फैमिली से नेगेटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है, या आपने देखा कि उस फैमिली में काफी शोर हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, सो आप कह सकते हैं देर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस फैमिली, तो बड़ा अच्छा लगेगा। और यकीन मानो, ट्रस्ट मी गाइस, इफ यू स्पीक इन इंग्लिश बिफोर योर पेरेंट्स, जब अपने सामने पेरेंट्स के सामने जब बोलोगे ना, दे विल गो वेरी हैप्पी, दे विल गो थ्रिल्ड, सीरियसली।
वो बहुत खुश हो जाएंगे, उन्हें लगेगा ओ माय गॉड वो जो सपना देख रहे थे वो पूरा हो रहा है धीरे धीरे। सो दैट वुड बी अमेजिंग, ट्राई तो करके देखो। एंड द पॉइंट इज यू नो एवरीथिंग आउट देयर, तुम लोगों को सब कुछ पता है, बट यू कैन नॉट स्पीक, देयर इज नथिंग बट अ लिटिल थिंग्स, अ लिटिल थिंग बोलेंगे। चलिए अब जैसे आपने कहा ये कुछ नहीं बस तुम्हारा प्यार है, इसको इंग्लिश में पहले तो ये अपना रट लो, क्या कहेंगे, इट इज नथिंग बट योर लव। अब ये चैट करते टाइम तुम लोग याद रखोगे, है ना, नेक्स्ट टाइम जब तुम, हो सकता है अभी एक दो को मैसेज भेज दो, इट इज नथिंग बट योर लव, है ना। अब कोई तुम्हें मिली नहीं, अब तुम दुखी हो या मिला नहीं, बोलोगे इट इज नथिंग बट माई डेस्टिनी, इट इज नथिंग बट माई डेस्टिनी। अच्छा फिर कोई गड़बड़ हो गई, मतलब यू आर गोइंग आउटसाइड और आपसे कुछ गड़बड़ हो गई, मान लीजिए कि आपने किसी का फोन ही खराब कर दिया, तो कहें इट इज नथिंग बट अ मिस्टेक, इट इज नथिंग बट अ मिस्टेक। मान लीजिए आप कार ड्राइव कर रहे हो, कहीं आपने भिड़ा दिया, तो क्या कहोगे, इट इज नथिंग बट अ मिस्टेक, आई एम सॉरी, फॉरगेट इट, फॉरगेट इट इसके साथ लगा लो, बढ़िया रहेगा, मुझे लगता है मजेदार लगेगा। कम ऑन फिर से बोलना शुरू करो, हाँ इट इज नथिंग बट अ लिटिल थिंग, ओके फॉरगेट इट डूड, इट इज हाँ इट इज नथिंग बट अ लिटिल थिंग। और आप अपनी, जैसे ये तो मैंने ऐड ऑन किया है, आप अपनी तरफ से क्या क्या ऐड ऑन करना चाहेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग जो आपको लगे, जो लगे कि मजा आ जाएगा और हमें भी बोलेंगे, आपके सामने क्या है, इट इज नथिंग बट माई लैपटॉप, इट इज नथिंग बट माई बुक, इट इज नथिंग बट अ वार्निंग टू अस। मान लीजिए देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग एंड द सिचुएशन इज टर्निंग अलार्मिंग, और आप कैसे बोलेंगे, इट इज नथिंग बट अ वार्निंग टू अस। मान लीजिए आप किसी क्लास में बैठे हैं और टीचर आपको डांटने वाली है, पहले डांटने से पहले उसने वार्न किया, देखो ऐसा है, जस्ट शट योर माउथ अदरवाइज आई विल इवैक्यूएट यू फ्रॉम द क्लास, इस तरीके से। तो आप इसमें क्या करेंगे, आप इसको बोल सकते हैं कि इट इज नथिंग बट वार्निंग टू अस, इट इज नथिंग बट हर हेट फॉर मी, ये भी अच्छी बात है, ये भी आप लोग यूज कर सकते हो, इट इज नथिंग बट हर हेट फॉर मी, इट इज नथिंग बट अ स्मॉल गिफ्ट, आप किसी के लिए बड़ा सा गिफ्ट लेकर के आए। अच्छा ये सिचुएशन तब भी हो सकती है जब आप ये सारी चीजें जो है बहुत सारी हैं आपके पास लेकिन बताना कम है, तो ये कुछ नहीं है बस, इसको हिंदी में बोलते हैं ये कुछ नहीं है बस, थोड़ा सा, ये कुछ नहीं है बस, कुछ नहीं है बस, क्या है, हाँ स्मॉल गिफ्ट, छोटा सा तोहफा, इस तरीके से, हाँ इट इज नथिंग बट हिज बैड लक, ये भी बोल सकते हैं, इट इज नथिंग बट अ स्मॉल अमाउंट, वेरी नाइस, You people are participating. Very nice. Thank you guys. अच्छा अब यहाँ पर क्विकली हम किचन में घुसते हैं और बहुत ही क्विकली निकलेंगे। वैसे मैं किचन में पहले आपको घुसा चुकी हूँ, बट देर आर सम काइंड ऑफ स्पाइसेस दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन इंग्लिश टुडे, सो गेट सेट गो। हियर यू नो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस थिंग, कम ऑन गाइस जल्दी से बताओ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये वाला सेशन। हाँ इट इज नथिंग बट अ लिटिल पेन, या सुपर फास्ट एजुकेशन, वेरी नाइस, लिखा हुआ है गेस द नेम, व्हाट इज दिस, कोई कहेगा ये पुदीना है, बट दिस इज तुलसी, तुलसी को इंग्लिश में बोलते हैं बेसिल, बेसिल आपको इंग्लिश में ही बोलना है, अगर आपको तुलसी चाहिए सो आपको क्या लगाना है, बस आपको ऐसे कहना है आई नीड, नीड बेसिकली एक ऐसी वर्ब है जो रिक्वायरमेंट के लिए यूज होती है, आपको कोई भी चीज चाहिए आपको पूरा सेंटेंस इंग्लिश में बोलना है, सो क्विकली स्टार्ट करना है, बस मैं आपको बताऊंगी, कहेंगे आई नीड बेसिल, किसके लिए चाहिए, फॉर मेकिंग टी, तो क्या बोलेंगे, आई नीड बेसिल फॉर मेकिंग, वैसे काढ़ा बहुत पीते हैं आजकल लोग, उसमें तुलसी डालते हैं, टी बन गया, आपको पूरा सेंटेंस इंग्लिश में बोल दिया, पक्का बोलने लगोगे, इसमें कोई इफ्स और बट्स नहीं है, नो इफ्स नो बट्स, ओके। सो अब आपको ये चाहिए, आई नीड दिस थिंग टू मेक चिकन बोल सकते हैं, कुछ लोग तो चिकन से बहुत ही दूर रहते होंगे, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्यूमिन, हिंदी में कहते हैं क्या, जीरा, I already gave the answer first, now आपने दे दिया, हाँ basic, very nice. So cumin है ये, तो आप कैसे English में बोलेंगे, where is cumin? I need it. अलग अलग तरीके से, मैं बहुत छोटे words बता रही हूँ, आप उन्हीं से शुरुआत करो, बड़े words कैसे बनाने हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी, बस सॉरी बड़े sentences कैसे बनाने हैं वो मैं आगे बताऊंगी। हाँ what is this? अच्छा आपको ये, इसको बोलते हैं हींग, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं एसा पोटेटा, जरा बोल के देखिए एसा पोटेटा, है ना, यहां पर मैं लिख देती हूँ, इसको बोलेंगे एसा पोटेटा, जरा बोल के देखिए एसा पोटेटा, एसा पोटेटा, एसा पोटेटा का मतलब होता है हींग।
अब ये थोड़ा बड़ा है तो आप मतलब पूछ सकते हैं, डू यू हैव एसाफोटिडा इन योर किचन? बन गया सेंटेंस, डू यू हैव एसाफोटिडा इन योर किचन? इफ यू हैव आई नीड अ बेट, दैट इज इट. आज बहुत पोइट्री बना रही हूँ मैं, यू नो गाइस, द सेशन इज गोइंग टू बी अमेजिंग आई गेस. चलिए, व्हाट इज दिस? इसको आप कब यूज करते हैं? आई डोंट नो, बट आई थिंक यू यूज इट इन मेकिंग टी. व्हाट मैम, प्रैक्टिस सेट की लैंग्वेज का सोल्यूशन नहीं बताया. अच्छा अच्छा वो लैंग्वेज का सोल्यूशन, ओके मनीष, मैं उस पर बात करती हूँ. अदिति कह रही है, रीड इज माय कमेंट्स नॉट शोइंग हियर, एनीबडी टेल मी. अदिति, यस, योर कमेंट्स आर शोइंग हियर एंड आई कैन रीड योर कमेंट्स. ऑलराइट, एसाफोटिडा बोला आपने, बोल के देखा. सो अब दिस थिंग इज व्हाट इज दैट थिंग, एनीबडी टेल मी प्लीज, टेल मी प्लीज. इट इज नथिंग बट, I am happy. Okay, Anand. It is nothing but cardamom. देखो, जो चीज आपने अभी पढ़ी है उसको apply कब करेंगे? यहीं पे. ये कुछ नहीं है, बस इलायची है. It is nothing but cardamom. Okay. All right. कौन से क्लास में होने देश कह रहे हैं? ये पहला क्लास चल रहा है. It is nothing but what? ये क्या है? ये शायद आप पहचान ना पाए, so I am gonna tell you. ये हाँ, इट इज नथिंग बट इलायची, नथिंग बट कार्डमम. ओके, सो ये है आपका धनिया. धनिया मतलब कोरिएंडर सीड्स हैं ये एक्चुअली सीड्स हैं. इन सीड्स को क्या बोलेंगे? कोरिएंडर सीड्स. इंग्लिश में पूरा सेंटेंस बनाएंगे, लाइक यू कैन से, पूरा सेंटेंस बनाने के लिए, डू यू हैव कोरिएंडर सीड्स इन योर किचन? इफ यू हैव इट, आई वॉन्ट टू हैव देम. गेस द नेम. इसमें क्या होता है, कोई बताएगा ये क्या है? ऐसे तो धनिया लग रही है. इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऐसे तो धनिया लग रही है ना. मैम आप गारंटी ले लो, हम क्लास रेगुलर ले लेंगे, वरना क्यों टाइम वेस्ट करें बेटा. ये जो आपने हीरो गुर्जर, मैं आपको बात बताऊं, आपकी जिंदगी के एक दिन के में 24 घंटे का आधा घंटा अगर आप हमें दे देंगे तो उसमें कौन सा टाइम वेस्ट हो गया भाई? कितना टाइम इंपॉर्टेंट है भाई तुम्हारा? अरे देखिए तो देखो अपनी तरफ से, जब तुम देखो हर चीज क्या करती है, हर चीज आपके डेडिकेशन मांगती है. अगर आप अपना कुछ दोगे तभी तो आपको रिटर्न मिलेगा भाई. ये क्या है बताओ? ये है आपका पार्सले, कोरिएंडर, सिलांट्रो, राइट? तो ये है आपका धनिया. धनिया के बहुत सारे नाम है. आपने अगर कुकरी शोज देखे होंगे, सोयल गर्दन नेम, घरों में ये मांगने हम लोग बहुत जाते हैं. किसी से कोरिएंडर लीव्स मांगेंगे तो ये दे देगा, सीड्स मांगेंगे तो अभी बगल वाला जो था वो दे देगा, है ना. पार्सली का मतलब ये, सिलांट्रो का मतलब यही वाला, ये सेम थिंग. अच्छा, स्क्रीन काफी ठीक ठाक लग रही है. ओके, हाँ, सेशन को शेयर किया क्या बच्चों तुमने? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? कैन यू गेस व्हाट इज दैट? या आई नो इट एंड यू नो इट वेरी वेल. दीज आर कैरम सीड्स. कैरम सीड्स हैं ये. कैरम सीड्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? अजवाइन. सो यू वॉन्ट टू हैव अजवाइन? Ajwain. Do you want to have carom seeds? I have them. Okay. So do you want to eat carom seeds paratha or anything else? I'm gonna make it. All right. So pakka ma'am, but bheje mein kuch ghusna chahiye. Ab bheje mein ghus raha hai kya? Acha batao fir. Ab iske pehle maine bataya tha aapko kiske baare mein? Ilaichi ke baare mein. Ilaichi ki English kya hoti hai? Maine picture bhi dikhai thi. Aur pehla letter C hai uska. बता दो ये क्या है. वैसे किचन में ये चीजें बड़ी आपको परेशान करती होंगी, लेकिन मैं आपको उनको इंग्लिश में बता रही हूँ. छोड़िए हिंदी में याद रखना, आप इंग्लिश याद कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये है आपका दालचीनी. दालचीनी, ना तो इसमें दाल नजर आती है ना चीनी. सो आई एम वेरी कंफ्यूज विद द नेम ऑफ इट. इसको बोलते हैं सिनेमन, और नाम भी सिनेमन है. ऐसा लग रहा है कि हमने वो देखी हो मूवी सिनेमन. हमने द मम्मी रिटर्न्स देखी होगी, उसमें उसका नाम कुछ ऐसा ही होता है ना, सिनेमन. मेरे को तो ये देख के वो याद आता है. तो सिनेमन बोलेंगे, बिकॉज आई एक्चुअली स्पीक सिनेमन टू इट, बिकॉज आई नेवर से दालचीनी. क्योंकि दालचीनी में अगर मेरे से कोई कहेगा कि दालचीनी लेकर के, ऑफकोर्स मैं दाल अलग और चीनी अलग लेके जाऊंगी, बिकॉज ऐसा नहीं पता कि ये नॉर्मल सी चीज दिखने वाली इतना ज्यादा ब्लंडर करेगी मेरे माइंड के साथ. तो स्पीक सिनेमन. सो नेक्स्ट टाइम इफ यू आर गोइंग टू मेक चिकन, so ask for cinnamon, not dalchini. तो cinnamon याद हुआ किसको? किसको याद हुआ बताना?
प्रकाश वैत्सन कह रहे हैं भाई सिमरन, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा फिर तुम लोग बाद में सोचना कि क्या हुआ। गौतम कह रहे हैं एज यू सेड प्लीज टेल मी व्हेन यू विल कंडक्ट क्लास ऑन जूम। गौतम इफ यू आर रेडी टू कम ऑन जूम आई विल स्टार्ट इट, गेस द नेम, बट जूम पर आने के लिए आपको मेरे से कॉन्वर्सेशन करना पड़ेगा, सो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, डेफिनेटली यू विल लव टू। यहाँ पर ये जो थिंग बनी हुई है इसको आप लॉन्ग कहते हैं और इंग्लिश में इसको क्लोव बोलते हैं, जो कि एवरीबडी यूज। व्हेन यू गेट पेन इन योर टीथ यू यूज क्लोव, यू यूज क्लोव। जब आपके कभी भी दांत में दर्द होता है तो आप यूज करते हो ना क्लोव, तो वही वाला क्लोव है। ये क्या है, इसका नाम बड़ा अच्छा होता है, हिंदी में इसको सौंफ कहते हैं। Whenever you go any kind of restaurant out there, you get the thing with mystery, right? You get that thing with the white color mystery and it looks delicious because it is completely free. So, jo free cheeze hoti hai wo waise bhi delicious lagti hai. So, isko hum bolte hai fennel seeds, right? Fennel seeds. Deep carry PDF. Ya clove hai, bilkul. Jara isko guess karo. Ab main isko bataungi nahi. Jara guess karo, bachyo. पीडीएफ मिल जाएगा बच्चे, अभी अभी इसके बाद ही मिल जाएगा। ये जो अभी मैं क्लास ले रही हूँ इसका पीडीएफ अभी मिल जाएगा, कोई बताएगा। नैना कह रहे हैं सॉफ्ट पैनल, जीरा नहीं है, लौंग इलायची नहीं है, नीतीश हार्ट नहीं है ये, और और ये स्माइली भी नहीं है। मनीष बताइए, जल्दी से बताइए। अब नीश बताइए क्या है, आपने नहीं बताया। ये है मेथी दाना, मेथी दाना है ये, राइट। तो मेथी दाना इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं फेन्यूग्रीक सीड्स। सो ऑल आई वांट, आप बैठे हैं ऑर्डर दे रहे हैं, अपने सिबलिंग से बोला हे लिसन ऑल आई वांट इज फेन्यूग्रीक, क्या ऑल आई वांट आर फेन्यूग्रीक सीड्स। रिकॉर्डिंग वीडियो मिल जाएगी, आराम से देखो, जितना मर्जी देखो, शेयर करो। व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट, व्हाट इज इट कॉल्ड, ऐसे बोल सकते। ये सीसम, सीसमी, सीसमी सीड बोलते हैं इसको, और इसको हिंदी में शायद तिल बोलते हैं, अगर आप लोगों को याद हो, तिल बोलते हैं ना। हाँ, रेगुलर है, रेगुलर और फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आप लोग मेरे नाम से मेरे को सर्च कर सकते हैं, मेरे को नहीं पता। हाँ, ये क्या है, ये क्या है, ये क्लास भी रेगुलर है, पीडीएफ भी मिल जाएगी, जो चीज आप चाहते हो अलग अलग क्लासेस से वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जाएगी। आपको इंटरेक्टिव सेशंस दिए जाएंगे, बहुत सारी चीजें जो आप और स्पोकन ऑनलाइन में नहीं पाते हैं वो यहाँ आपको मिलेंगी, जैसे कि जूम पर हम सेशंस लेके आएंगे। और थोड़े दिनों में, अभी ये स्टार्टिंग है, मुझे लगता है कि वीकली सेशंस हम लेकर के आएंगे बच्चों के साथ में, जो कि आपको काफी मुझे लगता है कि अंदर से प्रिपेयर करेंगे टू स्पीक समथिंग इन इंग्लिश। बताइए इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम है जावित्री, जावित्री मतलब साउंड लाइक सावित्री बट इट इज जावित्री, इसको बोलते हैं मेस। So I don't want Savitri, I want Javitri because I am in kitchen. So आप इसको ऐसे use कर सकते हैं, I don't want Savitri या जो भी मैंने बोला। So Mace, Mace भी अच्छा नाम है, आप अगर Mace नाम रखेंगे तो भी अच्छा लगेगा, Mace is the nice name. What is that? ये है आपका काला सरसों है ना, काला सरसों, वो है काला सरसों, इसको English में हम बोलते हैं mustard seeds, सरसों के बीज, तो इसको बोलते हैं हम सरसों के बीज, राइट, मस्टर्ड सीड्स। प्लस का कोर्स बहुत जल्दी आ रहा है बच्चे, बहुत जल्दी आ रहा है, मैं सारे काम बहुत ही जल्दी कर रही हूँ और आप लोगों के लिए काफी सारा मटेरियल जो है वो मिल जाएगा। हाँ, चक्री है ये, इसको बोलते हैं चक्री, चक्री है, और ये चक्री भी यूज होती है व्हेन यू मेक चिकन स्ट्यू, जब आप स्ट्यू बनाते हैं। सो इफ यू आर यू नो you are going to love cooking, then you will get it. इसको चक्री बोलते हैं, and इसका flavor बहुत है, ये it is completely aromatic, of course. So this is like a masala, a spice. इसको बोलते हैं English में star anise, star anise, है ना, star anise, चक्री बोलते हैं इसको। राजमा नहीं है, what is this? What is this? What is it called? इसको क्या बोलते हैं? हाँ, वो चक्री, चक्री को स्टार एनिस बोलते हैं, स्टार एनिस। और ये तो आपको पता ही है हिंदी में दैट इज कॉल्ड आंवला। अरे पहुंचा दो आज 200-300 पहुंचा दो बच्चों, शेयर कर दो एक बार सेशन को जरा जोर से, उसके बाद हम आगे, अभी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें पड़ी हुई है,
इसमें तो एक बैक टू बैक बहुत इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं। ये बैचेस तो आपके लिए ही हैं, जितना मर्जी आप जो है इंग्लिश सीखो। ये कभी नहीं देखी, ये देखी कैसे होगी, ये तो हमेशा नहीं देखी होगी मुझे लगता है। नॉर्थ इंडिया में नहीं दिखती, नॉर्थ इंडिया में तो दिखती है, ये आंवला है, ये नॉर्थ इंडिया में दिखती होगी बिकॉज यहाँ पर नॉर्थ इंडिया के बच्चे तो काफी सारे होंगे, दिखती होगी। यस, इसको बोलते हैं गूसबेरी गैस। गूसबेरी गैस राइट, गूसबेरी गैस क्या होता है, आंवला। अच्छा नाम है, मुझे तो उसका नाम बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए आई स्टार्टेड स्पीकिंग इन इंग्लिश। मैं हमेशा कभी आंवला हिंदी में बोलती नहीं हूँ, आई ऑलवेज स्पीक गूसबेरी ग्रास। ओके, ये वो है जो आप स्टार्टिंग में समझ रहे थे। व्हाट इज दैट, कितना ग्रीन लग रहा है, पुदीना। एंड पुदीना को इंग्लिश में बोलते हैं मिंट, देखा है। अच्छा, वेरी नाइस। व्हाट्सएप पर एसएमएस करो, ठीक है नीतीश, मैं करूंगी। हम नॉर्थ से, दीपक कह रहे हैं हम नॉर्थ से, मेरे घर में लगे हैं रवि कुमार। ओके हाँ, गूसबेरी, तो ये था मिंट। मिंट मतलब पुदीना। एंड या दिस इज द थिंग दैट इज वेरी प्रीशियस, ये बहुत ही कॉस्टली होते हैं, प्रीशियस थिंग है ये। इसको क्या बोलते हैं, केसर। बच्चों केसर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑल आई नीड इज केसर टू मेक खीर। ऑल आई नीड इज केसर। अब केसर को आपको इंग्लिश में बोलना है, आई हैव टू मेक खीर, है ना। आई हैव टू मेक डिजर्ट, क्या मुझे मिठाई बनानी है तो मुझे केसर चाहिए। अब केसर को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, जल्दी से बताओ बच्चों, केसर को इंग्लिश में आप क्या कहेंगे। नेक्स्ट टाइम यू सी इट यू विल स्पीक सैफ्रॉन, क्या बोलेंगे, सैफ्रॉन। केसरिया रंग इसी से बना हुआ है, इसको बोलते हैं हम केसर। लड़कियों का नाम भी होता है, व्हाट इज दैट थिंग, ये क्या चीज है, गेस करेंगे कोई, कौन बताएगा ये क्या है। सैफ्रॉन, लीजा, जया, प्राची, काफी सारे लोग बता रहे हैं, वेरी नाइस। ओके सो अब 200 तक नहीं पहुंचाया, कोई बात नहीं। चले, ये क्या है आपका, इसको बोलते हैं क्या, सैफ्रॉन। शगुप्ता बोल रहे हैं, या एग्जैक्टली सैफ्रॉन भी, आई थिंक इज द सेम थिंग, कश्मीरी सैफ्रॉन। ये है तेज पत्ता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बे लीव्स। बे ऑफ बंगाल से याद कर लो, सो बे लीव्स का हम कब यूज करते हैं, इन मेकिंग दमालू, दमालूस, यू नो द डिश। जो मैं डिश आपको बोल रही हूँ, यू आर एबल टू रिलेट दैट, मैं वो सारी डिश से आप रिलेट कर पा रहे हो, जैसे मटन स्ट्यू बोला, चिकन स्ट्यू बोला, तो ये सारे स्पाइसेस इसमें बहुत यूज होते हैं। और आई कैन सी, अगर आप कोई रेसिपी देखते हैं, कोई कुकरी शोज देखते हैं, बिकॉज कुकरी शोज में ये सारी चीजें बताते हैं। बट या एट होम यू कैन यूज इट इन इंग्लिश, घर पे भी आप इनको आराम से इंग्लिश में बोलो, आई नीड बिलीव्स। अब आप मेरे को बताओ कि मैंने आपको आंवला की इंग्लिश क्या बताई थी, जल्दी से कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ आंवला की इंग्लिश क्या बताई थी। ओके सो यहाँ पर आपको मैं बताती हूँ एक वर्ड, और फिर उसके बाद आज के सेशन से लेंगे विदा, मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट सेशन में। केसर का मीनिंग लिख दू, केसर का मीनिंग सैफ्रॉन, सैफ्रॉन, सैफ्रॉन। लिख दिया केसर। अब जरा इस स्लाइड पर नजर डालो, यहां पर हम आपको वर्ड ऑफ द डे बताएंगे, उसके बाद हम लेंगे विदा। वर्ड ऑफ द डे हमारा जो है वो क्या है, वो है रैम्बल। जरा बोल के दिखाओ, रैम्बल, आर ए एम बी एल ई, रैम्बल। रैम्बल का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा देर तक बोलते रहना, बहुत सारी डिटेल्स देना जिसका कोई मतलब ना हो, है ना। जैसे मैंने अपने फ्रेंड से बात की, मैंने कहा कि तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है, मैंने उससे पूछा हाउ इज योर प्रिपरेशन गोइंग। अब उसने कहा कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, तुम्हें पता है कि लास्ट ईयर मेरा सिलेक्शन हो गया था बट इंटरव्यू में आउट नहीं, आउट हो गया, तो मुझे लगता है इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और मैं अपने फ्रेंड्स के साथ रोज डिस्कशन करता हूँ, सुबह शाम स्टडी करता हूँ, मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं। नहीं, अब होता क्या है, इतना सब बोलने के लिए मैंने नहीं पूछा, मैंने सिर्फ क्या पूछा था कि हाउ इज योर प्रिपरेशन गोइंग ऑन। तो आप बताते दैट्स गुड, या दैट वॉज नॉट गुड, या वट एवर यू फील लाइक। इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि तुम रैम्बलिंग करने लग जाओ। तो ऐसी सिचुएशन जब आपके सामने आएगी तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे डू नॉट रैम्बल, कम टू द पॉइंट। क्या बोलोगे, डू नॉट रैम्बल, कम टू द पॉइंट। पार्ट ऑफ स्पीच है इसका वर्ब। देखो क्या लिखा हुआ, ये कब कहें, जब बंदा ज्यादा बोल रहा हो और आप उसकी बकबक से परेशान हो, ज्यादा मत बोल भाई, है ना। डोंट रैम्बल, आई ऑलवेज रैम्बल बिफोर बॉस, यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं हमेशा अपने बॉस के सामने रैम्बल करती हूँ, बहुत सारी डिटेल देती हूँ।
समझ आ गई बात, आप रैम्बल हो। सुपर फास्ट एजुकेशन कह रहे हैं आप रैम्बल हो, मैं रैम्बलिंग कर सकती हूँ बिकॉज आई एम अ टीचर, आई एम अ मेंटर। और अगर आप रैम्बल करना चाहते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, अंटिल एंड अनलेस द अदर वन इज लिसनिंग, राइट। सो इसी तरह खुश रहिए, हैप्पी रहिए, हम मिलते हैं आपको कल एट द सेम टाइम। और अगर सेशन अच्छा लगा है तो मेरे को कमेंट्स भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, और हम इसी एनर्जी के साथ कल मिलेंगे एट द सेम टाइम। थैंक यू वेरी मच।